हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज का अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। तो आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे इस बार के जेई मेन में भी क्वेश्चन आया है एंड नीट के में भी पेपर में भी क्वेश्चन आ सकता है इस बार। तो इसको आप अच्छे से पढ़ना कि हम रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। बेसिकली क्वेश्चन वहाँ से आता है एंड अगर रेडॉक्स रिएक्शन से बैलेंस से क्वेश्चन नहीं आया तो वो आपसे पूछ सकता है। रेडॉक्स क्या बोलते हैं, रिएक्शन को बैलेंस करा के आपसे किसी भी प्रोडक्ट की अमाउंट हो सकता है, रिएक्टेंट का अमाउंट हो सकता है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो अपने को सबसे पहले आना चाहिए, रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो अपने को पता आना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर। क्यों? रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी होती हैं? वे रिएक्शन होती हैं जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा होता है। तो अब अपन को पता कैसे चलेगा कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, तो हम पता कैसे करते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर से पता करते हैं। तो सबसे पहले अपने को पता क्या होना चाहिए? ऑक्सीडेशन नंबर। तो बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है? ये ना एक चार्ज होता है। क्या होता है? चार्ज जो प्रेजेंट होता है किस पे? एटम पे। किस पे प्रेजेंट होता है? एटम पे या एलिमेंट पे। ये रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। इसको अपन क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट सेम ही है, इनमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है? ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट सेम ही है। जैसे अपन एग्जाम्पल की बात करें KMnO4, अब मैं उनको KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है। कोई आपसे पूछे कि KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो आप कैसे करोगे? आप क्या करोगे? Mn का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या मान लोगे? आप प्लस एक्स मान लोगे, ठीक है? प्लस एक्स मान लिया, एक्स मान लो ओनली, ठीक है? तो आपने पोटेशियम का माना प्लस वन, एक्स रख दिया, और ऑक्सीजन का कितना होता है? -2 होता है। कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है यहाँ? चार ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो क्या हो जाएगा अगर आप इसको करोगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? +7 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ Mn है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है? +7 है, ठीक है? इसके बाद अपन पढ़ते हैं कि अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो आपको ये जो रूल्स लिखे हुए हैं, आपको ना ये सारे रूल्स सिक्वेंस वाइज होने चाहिए। क्यों? ये क्या होते हैं, ये बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर लिखे हुए हैं। आपको इनसे आप अगर इनको सिक्वेंस वाइज लगाओगे तो ये आपको करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, ठीक है? अगर आप सिक्वेंस वाइज नहीं लगाओगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो पहला रूल्स क्या है इसका? रूल नंबर 0। रूल नंबर 0 इसलिए लिखा है कि ये क्या बोलता है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना, किसी एलिमेंट का हुआ या किसी कंपाउंड का हुआ, एलिमेंट का हुआ या कंपाउंड किस फॉर्म में? स्टैंडर्ड फॉर्म में हुआ। किस में? स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो उसका कितना होगा? 0 होगा। जैसे एग्जांपल करें H2, ये क्या है? एक मॉलिक्यूल है। O2 मॉलिक्यूल है। F2 क्या है? मॉलिक्यूल है। Cl2 क्या है? मॉलिक्यूल है। I2 क्या है? मॉलिक्यूल है। अगर कोई कंपाउंड या एलिमेंट अपने सेम के साथ ही मॉलिक्यूल बना रहा है तो क्या होता है? उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है और इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? इसका 0 होता है। जैसे अगर अपन मेटल्स की बात करें, Fe हुआ, कॉपर हुआ, जिंक हुआ या गोल्ड हुआ, OAU गोल्ड, ये हुआ, ये कैसे पाए जाते हैं? ऐसे स्टेट में पाए जाते हैं। तो इनका क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है? इनका ऑलवेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0 लेना है। ये क्या है? AU है, ये AU, ठीक है? अब इसके बाद रूल नंबर 1 क्या है कि फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन क्या है आपको सबसे पता है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है? तो फ्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना लेना है आपको? हमेशा -1 लेना है। फ्लोरीन का हमेशा क्या लेना है आपको? -1 ऑक्सीडेशन नंबर लेना है, ठीक है? इसके बाद रूल नंबर 2 क्या बोलता है कि जो आपके ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं, ग्रुप 1 के एलिमेंट मतलब फर्स्ट ग्रुप है आपका, जो फर्स्ट ग्रुप उसके जो एलिमेंट है, कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम, इसका क्या आपको कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट लेनी है? आपको +1 लेना है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेना है? +1 लेना है। इसके बाद रूल 3 की बात करें, रूल 3 क्या बोलता है? ग्रुप 2 एलिमेंट मतलब सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम वाले, उनका ऑक्सीडेशन नंबर आपको कितना लेना है? +2 लेना है। इसके बाद रूल नंबर 4 बोलता है कि जो एल्युमिनियम है एंड गैलियम है उनका हमेशा कितना लेना है आपको? +3 लेना है, ठीक है? इसके बाद आपका रूल नंबर 5 बोलता है कि जो हाइड्रोजन होते हैं उनका आपको क्या लेना है? +1 लेता है। जैसे आप देखते हो मेटल हाइड्राइड बोलते हो, उसके आप बोलोगे सर मेटल हाइड्राइड में हम हाइड्रोजन का -1 लेते हैं, तो आपको पता चल गया होगा जैसे जो एट क्या है, ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट आ गए हैं, जैसे Na और H, Na आ गया और Mg आ गया, ये पहले आ गए हैं रूल नंबर 5 से पहले आ गए। तो आपने को पहले कौन सा रूल अप्लाई करना पड़ेगा? 4 अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे अपन बात करें NaH, तो आपको अगर इसमें हाइड्रोजन की पूछा है, Na की पूछ रहे, तो आपको क्या करना है? ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है, तो जैसे Na का है, Na को आपको पता चल गया ग्रुप 2 में आ गया, रूल नंबर 2 आ गया था, ग्रुप 1 का एलिमेंट है, तो यहाँ आप क्या रखोगे? इसकी +1, हाइड्रोजन की क्या हो गई? एक्स, और ये क्या हो गया? मॉलिक्यूल से स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है इसका? 0 चार्ज स्पीसी नहीं है, तो एक्स रहा क्या आ गया? -1। तो ये हाइड्रोजन की कितनी आई है? -1 आई है। तो आपको जैसे ये रूल्स हैं सिक्वेंस वाइज चलाने, ठीक है? तो हाइड्रोजन की क्या होती है? +1 होती है, लेकिन अपन हाइड्राइड की बात करें तो कितनी आ जाती है? -1 आ जाती है। तो आपको ये जो रूल्स दे रखे हैं ये सारे सिक्वेंस वाइज ही फॉलो करने। बात करें ऑक्सीजन की, ठीक है, ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन में क्या होता है, बेसिकली ऑक्सीजन के जो आपकी ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है आपका? -2 होता है।
कितना होता है माइनस टू होता है। लेकिन ऑक्सीडन के ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन के दो फॉर्म और पाए जाते हैं। पहला पाया जाता है एक ऑक्साइड होता है, ऑक्साइड किसको बोलते हैं पता है, जैसे ऑक्सीजन पे क्या हो माइनस टू चार्ज हो। एक होता है इसका पर ऑक्साइड, क्या होता है पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड में क्या होता है कि ऑक्सीजन ओ टू माइनस टू होता है, यहाँ क्या होती है पर ऑक्साइड लिंकेज होती है जिससे ऑक्सी ओ टू माइनस टू होता है। अगर आपसे ओ टू माइनस टू में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछे या ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है तो कितना आएगा ये माइनस वन आएगा, ठीक है। ऐसे एक और होता है आपका सुपर ऑक्साइड, क्या होता है सुपर ऑक्साइड। अब सुपर ऑक्साइड क्या होता है ओ टू माइनस वन, ओ टू माइनस वन। और अगर आपसे ओ टू माइनस वन में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछे ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे तो वो कितनी होती है माइनस वन बाई टू, ठीक है। ये कैसे करना है आप जैसे एक्स रख के किया था KMnO4 में ऐसे आप भी एक्स रख के कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो जनरली ऑक्सीजन की कितनी लेनी है आपको माइनस टू लेनी है, ठीक है। इसके बाद नाइट्रोजन है उसके कितनी लेनी है आपको माइनस थ्री लेनी है। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की कितनी लेनी है माइनस वन माइनस वन माइनस वन। और सल्फर की कितनी लेनी है माइनस टू। तो ये क्या है रूल्स हैं किसके ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के। इसके बाद ये क्या लिखा हुआ है कि द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, जो सम होता है ऑक्सीडेशन नंबर का ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। जैसे KMnO4 है, KMnO4 में कितना चार्ज प्रेजेंट है KMnO4, इसमें कितना चार्ज प्रेजेंट है जीरो चार्ज प्रेजेंट है। तो इनका जो इनके सारे जो एलिमेंट हैं जो प्रेजेंट हैं उनके जो ऑक्सीडेशन नंबर है उनका जो योग होगा एडिशन होगा उनका सम होगा वो किसके बराबर होगा जीरो के बराबर होगा। जैसे के का कितना आया था प्लस वन आया था, Mn का कितना आया था प्लस सेवन आया था, ऑक्सीजन का कितने हो गए थे चार ऑक्सीजन है तो माइनस टू के साथ माइनस आठ, तो कितना आ रहा है ये देख लो जीरो ही आ रहा है। तो द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन इट, ठीक है। इसके बाद जैसे ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं Cr4-2, इसमें आपको क्या करना है जो अंडरलाइन है उनका आपको ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट वाले से। सीआर का अपन मान लेते हैं एक्स, ऑक्सीजन कितने हैं चार, ऑक्सीजन का पता है ऑक्सीजन पर कितना होता है आपको माइनस टू लेना है आपको जनरली ऑक्सीजन का माइनस टू लेना है बराबर क्या रखेंगे जीरो रखेंगे या माइनस टू। यहाँ क्या लिखा था द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, जो सम होता है वो किसके बराबर होता है जो आपका मॉलिक्यूल्स है उसके चार्ज के बराबर होता है। चार्ज कितना दे रखा है माइनस टू, तो यहाँ से एक्स कितना आ गया आपका प्लस सिक्स। तो यहाँ जो क्रोमियम है वो प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन नंबर है या प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। Fe2O3, Fe का अपन मान लेते हैं एक्स, दो Fe हैं तो क्या हो जाएगा ये 2x, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं तीन, एक ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है माइनस टू, और अब कितना आएगा ये जीरो आएगा, क्यों इस पर कोई चार्ज नहीं है एलिमेंट पर तो ये किसके बराबर आएगा जीरो। तो x कितना आ जाएगा आपको यहाँ से, ये आ जाएगा माइनस सिक्स, इधर आ जाएगा सिक्स बाई टू, थ्री आ गया, कितना आ गया थ्री आ गया, ठीक है। अब NH3 में कैलकुलेट करते हैं अपन, NH3 नाइट्रोजन का करना है, नाइट्रोजन का अपन मान लेंगे x प्लस, हाइड्रोजन कितने तीन, हाइड्रोजन का कितना लेना है आपको प्लस वन लेना है बराबर जीरो। तो x बराबर कितना आ गया यहाँ माइनस थ्री, ठीक है। तो यहाँ हाइड्रोजन कितना है माइनस, नाइट्रोजन का कितना ऑक्सीडेशन नंबर है माइनस थ्री में प्रेजेंट है। अब बात करते हैं अपन C2O4-2, इसमें आपको कार्बन का करना है कैलकुलेट, ठीक है। H2SO5 में सल्फर का और H2SO8 में सल्फर का करना है। तो C2O4 x मान लेते हैं तो 2x प्लस चार ऑक्सीजन है तो माइनस टू बराबर माइनस टू, चार्ज कितना है इस पर मॉलिक्यूल्स पे माइनस टू है तो कितना आ जाएगा ये x बराबर यहाँ से आ जाएगा प्लस थ्री आ जाएगा। तो यहाँ कार्बन कितने ऑक्सीडेशन नंबर है प्लस थ्री है। H2SO5 की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन का कितना होता है प्लस वन होता है तो टू इंटू प्लस वन प्लस सल्फर का अपन ने मान लिया x माइनस प्लस पाँच ऑक्सीजन माइनस टू बराबर कितना है जीरो। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी माइनस प्लस एट, एक्स की वैल्यू प्लस एट आ रही है। लेकिन आपको यहाँ एक रूल्स ध्यान रखना है कि जो अपने ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं किसी एलिमेंट के वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर तक ही पहुँच सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा आ रहा है तो क्या होगा वहाँ पर ऑक्साइड लिंकेज प्रेजेंट होगी। जैसे एस सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, सल्फर की जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है प्लस सिक्स होती है, प्लस सिक्स होती है। अगर यहाँ कितनी आ रही है प्लस एट आ रही है तो आपको यहाँ पे प्लस एट नहीं करनी है, यहाँ आपका आंसर क्या देना है प्लस सिक्स ही देना है। और बताना है रीजन क्या बताना है ड्यू टू परऑक्साइड लिंकेज, ड्यू टू परऑक्साइड लिंकेज। यहाँ कैसी लिंकेज प्रेजेंट होती है परऑक्साइड लिंकेज प्रेजेंट होती है, परऑक्साइड लिंकेज प्रेजेंट होती है। परऑक्साइड लिंकेज क्या होती है ओ ओ माइनस माइनस, इस टाइप की लिंकेज होती है, ठीक है, ये होती है परऑक्साइड लिंकेज। ऐसे दूसरी की बात करें H2SO8 की, यहाँ 2 + 1 + 2x - 8 × -2 बराबर जीरो। तो यहाँ कितना आ रहा है आपका x आ रहा है आपका यहाँ प्लस सेवन आ रहा है,
प्लस सेवन आ रहा है, सल्फर की हाईएस्ट कितनी होती है? प्लस सिक्स होती है। सल्फर की कितनी होती है? प्लस सिक्स। ज़्यादा आ रही है तो मतलब यहाँ भी क्या हुआ, जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा प्लस सेवन ना होके क्या देना है आपका आंसर, प्लस सिक्स देना है। और बोल देना कि यहाँ क्या है, परऑक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है। जैसे सल्फर की प्लस सिक्स होती है, फास्फोरस की कितनी होती है? प्लस फाइव होती है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। वो कैसे कैलकुलेट करनी है आपको, ऑर्बिटल्स का पड़ता है, बाहर के जितने ऑर्बिटल्स, बाहर के ऑर्बिटल में, आउटर ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं उतनी वो आपको क्या कर सकता है, शो कर सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, आपको पता चल गया कैसे कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। अब आपको पता आना चाहिए कि ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं और रिडक्शन किसको बोलते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं अपन, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं अपन, रिडक्शन बोलते हैं। जैसे जेड एन है, जिंक है, जिंक से क्या हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, जेड एन प्लस टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में क्या होता है, गेन होता है या एडिशन हो रहा होता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये एक रिडक्शन प्रोसेस है। और दूसरे में क्या बोल सकते हैं, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का लॉस हो रहा हो उसको अपन ऑक्सीडेशन बोलेंगे, और हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो उसको क्या बोल देंगे अपन, रिडक्शन। गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो तो उसको अपन बोलेंगे ऑक्सीडेशन, और लॉस हो रहा हो ऑक्सीजन का तो उसको बोलेंगे अपन रिडक्शन। ऐसे अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का एडिशन हो रहा हो तो वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन, और जो अगर हटरा या रिमूव हो रहा है उसको क्या बोलेंगे अपन, रिडक्शन बोलेंगे। ठीक है, जो ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है, तो बेसिकली ऑक्सीडेशन प्रोसेस को अपने चेक कैसे करना है, जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर है, जो ऑक्सीडेशन नंबर वो क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। किस प्रोसेस में, ऑक्सीडेशन प्रोसेस में। और रिडक्शन प्रोसेस में क्या हो रहा होगा, जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। और इसमें क्या हो रहा होगा, इंक्रीज। ठीक है, तो ये हो गए आपके ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन कैसे कैलकुलेट करना है आपको, कि जहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा है, वहाँ क्या है, ऑक्सीडेशन है। और रिडक्शन में क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन नंबर वो क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, इसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रेड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनको अपन ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं। तो बेसिकली ये होते क्या है, जैसे आपको एजेंट का काम पता है, एजेंट क्या करता है, जैसे आपका LIC एजेंट हुआ है, बीमा एजेंट हुआ है, वो क्या करता है, दूसरों का बीमा करता है, ना कि खुद का बीमा करता है। एजेंट का मतलब क्या होता है, जैसे आपका ट्रैवल एजेंट है, वो दूसरों के लिए ट्रैवल एजेंट कराएगा। ऐसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद क्या हो जाएगा, रेड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ लिखा भी हुआ है, विच ऑक्सीडाइज अदर्स एंड गेट रेड्यूस, मतलब आपको जहाँ जिसका रिडक्शन हो रहा हो आपको उसको क्या बोल देना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल देना है। ऐसे रेड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, जो दूसरों को रेड्यूस कर रहा होगा और खुद क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, उसे अपन क्या बोल देंगे, रेड्यूसिंग एजेंट बोल देंगे। जैसे रिएक्शन में बात करते हैं, ठीक है, H2O2 से Ki एंड I2 एंड जीरो। I2 की कितनी है ऑक्सीडेशन स्टेट है, जीरो या -1, या कितनी है -1। तो ये -1 से क्या है, -1 से आपका कितना जा रहा है, जीरो में जा रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, -1 से 0 मतलब इंक्रीज हो रहा है। तो क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ -1 से किधर जा रहा है, -2 में जा रहा है ऑक्सीजन का। तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है। तो अब क्या करना है, यहाँ कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा और कौन रिडक्शन एजेंट की तरह काम करेगा, जो जिसका रिडक्शन हो रहा है वो किसकी तरह काम करेगा, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो किसकी तरह काम करेगा, एज ए रेड्यूसिंग एजेंट। क्यों, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरों को तो क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। तो यहाँ ये Ki को क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, खुद रेड्यूस हो रहे हैं। तो आ गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रेड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपन रेडॉक्स रिएक्शन। तो बेसिकली अपने को पढ़ना क्या था, रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ना था। उससे पहले अपन ने पढ़ लिया कि क्या क्या होता है, अपने को कैसे चेक करना है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। तो वो कैसे चेक करते हैं अपन, ऑक्सीडेशन नंबर से। अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो मतलब ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो मतलब रिडक्शन। ठीक है, तो जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है बेसिकली क्या होती है, कि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है ना, दोनों साथ साथ हो रहे होते हैं। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है तो वो आपकी रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी। अगर किसी रिएक्शन में आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है, दोनों हो रहे हैं, तब वो आपकी रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी। अगर इनमें से कोई सा एक भी हो रहा होगा और दूसरा नहीं हो रहा तो वो आप उसको रिडॉक्स रिएक्शन नहीं बोलोगे। तो बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन अगर मॉलिक्यूल्स के आधार पर बोलने, तो दो टाइप के होते हैं, इंटरमॉलिकुलर और इंट्रामॉलिकुलर। इंटरमॉलिकुलर में क्या होगा कि इसमें दो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगी, रिडॉक्स रिएक्शन होगी। और इसमें इंट्रामॉलिकुलर में क्या होगा, इसमें सिंगल मॉलिक्यूल्स के अंदर ही क्या हो जाएगी, आपकी रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी। अब अपन टाइप्स की बात करें, रिडॉक्स रिएक्शन के टाइप्स की। तो पहला टाइप होता है इसका कंपोजिशन रिएक्शन।
कंपोजिशन नाम से पता चल रहा है कि क्या हो रहा होगा, दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होके क्या करेंगे, कंपोज हो रहे होंगे, मतलब एक कॉम्बिनेशन बना रहे होंगे। जैसे यहाँ एन टू और एच टू मिलकर क्या बना रहे हैं, एन एच थ्री बना रहे हैं, मतलब ये कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है, कंबाइन हो रहे हैं। तो यहाँ एन टू का आप क्या देख रहे हो, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, जीरो, एच टू का कितना है, जीरो। यहाँ नाइट्रोजन का कितना आएगा, माइनस थ्री, हाइड्रोजन का कितना आएगा, प्लस वन आएगा। तो ये जीरो से किधर जा रहा है, माइनस थ्री में जा रहा है। आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, रिडक्शन। यहाँ जीरो से किस में जा रहा है, प्लस वन में जा रहा है, तो मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, तो ऑक्सीडेशन। तो देखा, एक ही केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो ये हो गई आपकी रेडॉक्स रिएक्शन, और ये कंबाइन होकर एक ही मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो कौन सी हो गई, ये आपकी कंपोजिशन रिएक्शन हो गई। ऐसे ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हुआ कि कोई एक मॉलिक्यूल ना एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा, कोई एक मॉलिक्यूल्स बड़ा मॉलिक्यूल्स होगा साइज में, वो क्या होगा, एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा। जैसे के सी एल ओ थ्री एक इसमें डिवाइड हो गया, के सी एल में और ओ टू में क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया है। यहाँ देखो क्लोरिन की प्लस फाइव है, यहाँ क्लोरिन कितना है, माइनस वन है। तो प्लस फाइव से माइनस वन क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, मतलब रिडक्शन। ऑक्सीजन की यहाँ कितनी है, माइनस टू, यहाँ कितनी आ रही है, जीरो, माइनस टू से जीरो जा रही है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, तो ऑक्सीडेशन। तो ये हो गया आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा, कोई एक बड़ा मॉलिक्यूल्स होगा, वो दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपन पढ़ते हैं एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं ना, वो क्या करते हैं, दूसरे एलिमेंट को अपने स्थान से क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। जैसे यहाँ जिंक है, ये बेसिकली मोस्ट रिएक्टिव होता है। ये कैसे पढ़ोगे आप, ये आगे आप पढ़ोगे जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते, पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है। तो ये जिंक है, ये क्या करेगा, इसको कॉपर को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा और जेड एन एस ओ फोर बना लेगा, ठीक है। तो ये होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ कॉपर कितनी, ऑक्सीडेशन नंबर है कॉपर का प्लस टू, इधर कितना है, जीरो। तो ये प्लस टू से जीरो जा रहा है, मतलब रिडक्शन। जिंक यहाँ कितना रहेगा, जीरो, इसमें कितना है, प्लस टू। तो यहाँ क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है, बेसिकली इसमें कोई एक एटम होता है, मतलब एक एटम है, एक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, उसी का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा होता है और उसी का क्या हो रहा होता है, डिक्रीज हो रहा होता है रिएक्शन में। जैसे यहाँ बी आर टू है, बी आर टू का कितना है, जीरो है, तो इसी का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी हो रहा है, जैसे प्लस फाइव में पहुँच गया, और डिक्रीज भी हो रहा है, जैसे माइनस वन में पहुँच गया। तो ये क्या होती है, जीरो से माइनस वन जा रहा है, मतलब रिएक्शन, और जीरो से प्लस फाइव जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन। एक और टाइप होता है, वो होता है आपका कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, ये रिवर्स होती है, रिवर्स होती है किसकी, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की रिवर्स होती है। इसमें भी क्या हो रहा है, माइनस वन से क्या जा रहा है, जीरो जा रहा है, और प्लस फाइव से जीरो जा रहा है, मतलब एक ही एटम की ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसके बाद अपन पढ़ते हैं बैलेंस कैसे करते हैं, अपन रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो इसमें एक मेथड होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। कौन सा मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इससे अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। तो अपन को रेडॉक्स रिएक्शन जो बैलेंस करनी होती है, दो मीडियम में अपन बैलेंस कर सकते हैं, एक होता है आपका एसिडिक मीडियम और दूसरा होता है आपका बेसिक मीडियम, ठीक है। आपको जो पेपर में क्वेश्चन आएगा वो इस टाइप से आएगा कि आपको ये क्वेश्चन दे दिया, जैसे यहाँ आपको बोल दिया ए लगा दिया, या बी, या सी, या डी और यहाँ ई बोल दिया, ठीक है। आपसे ये पूछ सकता है कि सी की वैल्यू क्या होगी, जैसे आपसे ये पूछ सकता है सी की वैल्यू क्या होगी और बी की वैल्यू क्या होगी, आपसे ये पूछ सकता है, या ए की वैल्यू क्या होगी, या आपसे ये भी पूछ सकता है ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो चेक करना है कि ये एसिडिक मीडियम है बेसिक मीडियम है। एसिडिक क्या होते हैं, जो एच प्लस देते हैं, यहाँ एच प्लस दिख रहा है, मतलब जो रिएक्शन है वो क्या हो रही होगी, एसिडिक मीडियम में बैलेंस हो रही होगी। तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, अगर आपको कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करनी है, तो आप सबसे पहले चेक करोगे किसका रिडक्शन हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब वो कैसे चेक करेंगे आप, ऑक्सीडेशन नंबर से। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाला अपन ने, एम एन का कितना आता है, प्लस सेवन आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है, प्लस सेवन है, और इधर कितना है, प्लस टू। तो ये प्लस सेवन से किस में जा रहा है, प्लस टू में जा रहा है, प्लस सेवन से प्लस टू, मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, तो मतलब रिडक्शन। यहाँ सी टू ओ फोर माइनस टू में अपन ने कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, कितना आ रहा है, प्लस थ्री आ रहा है। सी ओ टू में कितना आ रहा है, प्लस फोर आएगा, तो ये प्लस थ्री से प्लस फोर में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसके बाद क्या करना है आपको ना, रिडक्शन को और ऑक्सीडेशन को अलग अलग कर लेना है, सेपरेट कर लेना है, मतलब हाफ रिएक्शन में चेंज कर लेना है। जैसे अपन ने सबसे पहले की रिडक्शन रिएक्शन को कर लिया अलग, एम एन ओ फोर माइनस से एम एन प्लस टू, ये हो रही है आपका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना है, बैलेंस करने एटम्स को क्या करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। इधर एक एम एन है, इधर एक एम एन है, इधर बैलेंस है, एम एन का बैलेंस है, ऑक्सीजन कितने इधर चार है, इधर कितने जीरो। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उतने ही एच टू ऐड करने पड़ेंगे। अपने को कितने ऑक्सीजन चाहिए, चार, तो अपने को चार एच टू ही ऐड करने पड़ेंगे। इस साइड अपन ने चार एच टू ऐड कर दिए, अब आपके ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब क्या डिसबैलेंस हो गया, आपके हाइड्रोजन,
इधर हाइड्रोजन कितने हो गए 8, इधर कितने 0। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए एसिड एसिडिक मीडियम में क्या करेंगे अपन, एच प्लस ऐड कर देंगे। कितने एच प्लस चाहिए, 4 दुनी 8, 8 हाइड्रोजन है तो आपको 8 एच प्लस ही ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, 8 एच प्लस आपने ऐड कर दिया, ये आपकी आ गई। अब आपके एटम्स बैलेंस होंगे सारे। इसके बाद क्या करना है आपको, बैलेंस करना है क्या, चार्ज बैलेंस करना है। क्या बैलेंस करना है, चार्ज बैलेंस करना है। चार्ज बैलेंस करेंगे और चार्ज कैसे बैलेंस करना है, ऐड इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है माइनस। अब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या करेगा, ये चार्ज को डिक्रीज करेगा। अगर यहाँ देखते हैं अपन, 8H प्लस और MnO4 माइनस, इनका कितना चार्ज है टोटल, यहाँ है +7, ठीक है, इधर कितना है +2। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, चार्ज को डिक्रीज करेगा। अपने को क्या करना है, चार्ज बराबर करना है। तो अगर अपन इधर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, इधर 5 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है -2, तो कितना चार्ज हो जाएगा ये +2, इधर भी कितना हो गया +2। तो अपने को 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करके अपन ने क्या कर लिया, चार्ज बैलेंस कर लिया। तो आपका ये जो रिडक्शन रिएक्शन है वो बैलेंस हो गई है। इसके बाद आपको ऑक्सीडेशन प्रोसेस को कर लेना है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में कैसे करेंगे, निकालना है C2O4 और CO2। सबसे पहले क्या करना है, एटम्स को बैलेंस करना है। कार्बन कितना है इधर, 2 है, इधर कितना है 1 है। तो इस क्या कर दिया अपन ने, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 CO2। इसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन कितना है 4, इधर भी कितने हो गए 4 हो गए। तो आपको वाटर ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो आपको वाटर ऐड करने की जरूरत नहीं है, मतलब ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस हो चुके हैं सारे एटम आपके। इसके बाद क्या करना है आपको, बैलेंस क्या करना है, चार्ज बैलेंस करना है। और चार्ज को कैसे बैलेंस करना है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करके। तो इधर देख रहे हो, इधर -2 है और इधर 0 है। तो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चार्ज को डिक्रीज करता है। तो इधर 0 से अपन क्या कर सकते हैं, -2 कैसे जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करके, 2 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर दिए। तो आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। इनको फिर क्या करना है, आपको एक साथ लिख लेना है, ये आपने एक साथ लिख लिए। अब क्या करना है, आपको जो फाइनल रिएक्शन होती है ना, उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन बचना नहीं चाहिए। जो फाइनल रिएक्शन होती है रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस, उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन बचना नहीं चाहिए। तो उसको कैसे करोगे, इधर 5 हैं, इधर 2 हैं, तो कैसे कर सकते हैं, इनको इक्वल करके अपन कैंसिल कर सकते हैं। क्यों, ये रिएक्टेंट साइड है और ये किधर है, प्रोडक्ट साइड है। तो अपन ने ऊपर वाली रिएक्शन रिडक्शन रिडक्शन को किससे कर दिया मल्टीप्लाई, 2 से, और ऑक्सीडेशन को किससे कर दिया, 5 से। अगर इसको आप 2 से करोगे तो 5 दूनी 10, और इसको आप 2 से 5 से करोगे तो 2 5 10, मतलब 10 से 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। करो तो ये किया, सबसे पहले 2 5 10 16H+ 2 MnO4 नेगेटिव, एंड इसको आपने 5 से किया तो 5 C2O4 -2, इधर 2 Mn+2 8H2O एंड 10 CO2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। तो आपकी जो रिएक्शन बची है ये कौन सी है, बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सी मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। तो आप यहाँ जो आप सारी वैल्यू बता सकते हो ए बी सी की, चेक करके आप बता देना। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है जेई मेन में, इस बार ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, अब देखते हैं अपन कि इसको अपन बेस मीडियम में कैसे बैलेंस करते हैं। तो बेसिक मीडियम में अपने को कैसे बैलेंस करना है, ये आपको बेसिक मीडियम में रिएक्शन दी है। आपको पता कैसे चल रहा है कि ये बेसिक मीडियम में बैलेंस करनी है, यहाँ क्या है OH नेगेटिव दे रखा है, OH नेगेटिव मतलब बेस। तो आपको बेसिक मीडियम में बैलेंस करनी है। क्या करना है, सबसे पहले क्या है आपको, इनको सेपरेट कर लेना है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में। आपने इनको सेपरेट कर लिया, इसके बाद एक एक प्रोसेस को बैलेंस करो। स्टार्ट करते हैं अपन MnO4- और Mn+2 से। सबसे पहले क्या करना है आपको, एटम्स को बैलेंस करना है। आपने Mn एक है, एक है, ऑक्सीजन कितने इधर 4 हैं। तो आप क्या करोगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करोगे। आपने 4H2O ऐड कर दिए, ठीक है। इसके बाद आपने 4H2O ऐड किए तो कितने हाइड्रोजन हो गए इधर 8। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना है, 8H+ ला देनी है, 8H+ ला देनी। अब अपन यूज क्या कर रहे हैं, बेसिक मीडियम यूज कर रहे हैं। तो जितने आपने H+ आ रहे हैं, जितने आ रहे हैं, जैसे यहाँ 8 आ रहे हैं, तो उतने ही आपको OH नेगेटिव ऐड कर देने। अगर यहाँ 10 होते तो 10 OH करते, अगर 15 होते तो 15 करते। तो आपको OH नेगेटिव दोनों साइड ऐड कर देने, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। तो आपने 8OH नेगेटिव यहाँ ऐड कर दिया और 8OH नेगेटिव यहाँ ऐड कर दिया। अब जो H+ होता है और OH नेगेटिव होते हैं, ये क्या करते हैं, ये कंबाइन करके H2O बना लेते हैं, ये कंबाइन करके H2O बना लेते हैं। तो यहाँ 8 हाइड्रोजन है और 8OH नेगेटिव है, तो कितने H2O बनाएंगे, 8H2O बनाएंगे। तो यहाँ कितने आ गए, MnO4 नेगेटिव 8H2O, Mn+2 4H2O 8OH नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हो आप, यहाँ तो 8H2O हैं और इधर कितने 4H2O हैं। तो बताओ आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कैंसिल कर देंगे तो इधर कितने बच जाएंगे, 8 में से 4 गए तो 4H2O, तो 4H2O Mn+2 और इधर 8OH नेगेटिव। इसके बाद क्या करना है आपको, चार्ज को बैलेंस करना है। चार्ज को कैसे बैलेंस करेंगे, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से आप चार्ज को बैलेंस करोगे। तो इधर देखो, इधर चार्ज कितना है, -1 चार्ज है यहाँ पहले, इधर कितना है +2 एंड इधर कितना है 6, -6 है, ठीक है। आप कैसे कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चार्ज को डिक्रीज करता है। तो -1 से -6 कैसे जा सकते हैं अपन, इधर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। तो इधर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, -6, और इधर कितना हो गया, -6,
ठीक, मतलब आपका चार्ज क्या हो गया, बैलेंस हो गया है। ऐसे आपको ऑक्सीडेशन प्रोसेस में कर लेना है। ऑक्सीडेशन में किया आपने C2O4 2CO2, सबसे पहले क्या करना है, कार्बन को बैलेंस करना है। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, कार्बन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस हो गया। फिर क्या करना है, चार्ज को बैलेंस करना है। इधर कितना है -2, इधर कितना है 0, तो कैसे करोगे आप, 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करके आपने चार्ज को बैलेंस कर लिया। इसके बाद क्या करना है कि फाइनल रिएक्शन में आपको इलेक्ट्रॉन बचने नहीं चाहिए, तो आपने इन रिएक्शन को साथ में लिखा। इस तरह तो आपने 2 से मल्टीप्लाई किया और इधर 5 थे, क्यों, 5 दूनी 10, 10 इलेक्ट्रॉन, इधर कितने 2 पंजे 10, 10 इलेक्ट्रॉन, आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपकी जो फाइनल रॉक्स रिएक्शन है क्या हो जाएगी, बैलेंस होके आ जाएगी। किस मीडियम में, बेसिक मीडियम में, OH नेगेटिव मतलब बेसिक मीडियम में। तो ऐसे ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि आपको क्या करना आता है, वो दो तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो आपसे कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है आपसे, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर क्या आनी चाहिए, कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना आ गया तो वो उससे, इसी से आपसे काफ़ी क्वेश्चन बना सकता है। जैसे एक या तो पूछ ले कि आपको दो एटम्स दे दे, जैसे NO2 और N2O3 पूछ दे दिया आपको, और इनमें आपको पूछ ले कि इनके बीच में जो एटम्स दे रखे, मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, इनके जो ऑक्सीडेशन नंबर में क्या डिफरेंट है, नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, एक तो ये पूछ सकता है, और दूसरा क्या पूछ सकता है कि आपको वो रेडॉक्स रिएक्शन क्या करा सकता है, बैलेंस करा सकता है। रेडॉक्स रिएक्शन क्या करा सकता है, बैलेंस करा सकता है। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक आ गया होगा समझ में, आई थिंक। बैलेंस क्या करा सकता है, रेडॉक्स रिएक्शन करा देगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, कोई डाउट हो तो क्या कर देना, कमेंट कर देना। ठीक है, आई होप आप यू लाइक दिस वीडियो, एंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड कोई सजेशन हो तो कमेंट में डाल दें। कोई डाउट हो तो कमेंट में डाल दें। थैंक यू।